क्षेत्र से भाजपा नेता मौजूद हैं। आपके सामने जो दाएं साइड बैठे हैं रविंदर सिंह बड़ैल जी, ये भाजपा नेता हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे कोऑपरेटिव बैंक के, और इनके साथ ही हैं हरजीत सिंह जी। हरजीत सिंह जी ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। तो हरजीत सिंह जी आपको बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ैल साहब, आप राजनीतिक जीवन के बारे में अपने बताइए कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, आज आप यहाँ तक पहुँचे, आज आप भाजपा के एक चर्चित नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में कैसे शुरुआत हुई राजनीति? जो हमारा परिवार है, मेरे दादाजी सरदार लाभ सिंह बड़ैच, वो गांव में लंबरदार थे जब पार्टीशन के यहाँ आए हैं जी। और उसके बाद हमारे फादर साहब ने भी गुमतला पंचायत का इलेक्शन लड़ा था और उस टाइम भी बहुत बढ़िया वोटों से बने थे। जब उसके बाद फिर हमारा परिवार जो अपना मेरे नाना जी हैं सरदार फतेह सिंह जी चट्ठा जी, वो भी जॉइंट करनाल के तिलक सिद्ध के चेयरमैन रहे हैं जी। उसके बाद मेरे मामा जी सरदार कृष्ण सिंह चट्ठा जी ने भी इलेक्शन एमएलए का सरदार प्यारा सिंह के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा था जी। उसके बाद जसविंदर सिंह, मैं मेरा मासी जी का लड़का है, हम दोनों मसीहर भाई हैं, और उसके बाद जसविंदर सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक भी रहे हैं। और आज से 8 साल पहले हमारी और जसविंदर सिंह की आपस में नाराजगी होगी, हम कांग्रेस में चले गए। उसके बाद हम 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। तो लगातार आप 2014 से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं? हाँ, 2014 से लेके अब तक हम बीजेपी में ही कार्य कर रहे हैं। बीजेपी में शक्ति प्रमुख हैं? हम अब बीजेपी में शक्ति प्रमुख हैं, और उसमें ब्लॉक में मंत्री सदस्य भी हैं। अच्छा, सदस्य भी हैं ब्लॉक में। तो बड़ैल साहब, मतलब अगर हम पिहोवा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो पिहोवा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस का और इनेलो का गढ़ रहा, यहाँ पर भाजपा का जनाधार बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन आज जो हालात हैं, यहाँ पर भाजपा की टिकट मांगने वाले भी कम से कम 2 दर्जन से ऊपर लोग हैं। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा के लिए ये टिकटार्थियों की भरमार जमावड़ा नुकसानदेह साबित होगा या फायदेमंद होगा? ऐसे है जी, हम गुमतला से बिलोंग करते हैं जी, और गुमतला एक राजनीतिक का केंद्र है, बेवा राजनीति का केंद्र है जी जी। और उसके बाद जो भी गुमतला से खड़ता है उसकी 10-15 हजार वोट तो वो अपने साथ लेके चलता है। इस बार भी हमने गुमतला से बीजेपी को लीड दवाई है। डेरा फतेह सिंह गुमतला का ही एक पार्ट है, और उसमें से भी बीजेपी को बहुत अच्छी वोटों से लीड हुई है। जो जब आप आज से पहले कभी भी वहाँ मतलब बीजेपी को इतनी वोट नहीं पड़ी। तो आप क्या समझते हैं, यानी कि भाजपा पेवा में मजबूत है? हाँ, भाजपा पेवा में बहुत मजबूत है, और यदि स्थानीय कैंडिडेट को टिकट दी जाए तो और भी मजबूती से आगे निकलेगी। लेकिन देखिए, आप स्थानीय कैंडिडेट और बाहरी कैंडिडेट, इसके बारे में हमें बताइए कि स्थानीय हम किसे कह सकते हैं और बाहरी हम किसको माने? ऐसे जी, स्थानीय तो वही कैंडिडेट होता है जो यहाँ का ही जन्म हो, यहाँ का यानी कि भाजपा का संगठन का संगठन का कार्यकर्ता हो जी, और यहीं वैवाहिक कार्य कर रहा हो, लोकल कार्यकर्ता। जो बाहर क्षेत्र से, दिल्ली से, चीका से, कहीं से भी लोग आते हैं वो तो बाहरी ही कहे जाएंगे। कोई कहता है जी मैंने यहाँ अपनी वोट बनवा ली है, वोट बनवाने से कोई बाहरी कैंडिडेट वो पेवे हल्के का नहीं बन सकता। पिछली बार भी ये गलती पार्टी कर चुकी है। हाँ जी, पिछली बार भी बाहरी उम्मीदवार को नकार दिया है पेवा की जनता ने। पिछली बार बाहरी, हम भी टिकट के दावेदार थे, पर पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी, हम उसके साथ थे जी। वो हार जीत तो पब्लिक ने देखनी है, यानी कि बाहरी उम्मीदवार को हम ये माने कि मतलब यदि लोकल
कैंडिडेट पिछली बार भी होता तो यहाँ से जरूर जीतता, सीट निकल सकती थी। तो गुड़े साहब, यदि बात करें जो चर्चा है, जो माहौल राजनीति का माहौल बेहद गर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चा भी आती है कि चेयरमैन रविंदर सिंह बड़ैत जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या आप भाजपा की टिकट की दावेदारी करेंगे? हाँ, मैं भाजपा की पिछली बार भी टिकट की दावेदारी बहुत बेखूबी से की थी और हमारे को लास्ट तक भी सभी ने कहा था कि टिकट तुम्हारी कन्फर्म है। लास्ट में पता नहीं क्या समीकरण बने, जो जय भगवान शर्मा जी को टिकट दी गई, हमारी टिकट काट दी गई। जी, तो हरजीत सिंह जी ओबीसी के कार्यकारी अध्यक्ष।